हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्पर्श भाग दो क्लास टेंथ का पहला चैप्टर कबीर। आप सभी जानते हैं कबीर क्या थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर को भाषा का ज्ञान नहीं था। इनकी भाषा इसीलिए सदुकड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें भाषाओं का ज्ञान नहीं था। आज मैं आपको कबीर के दोहों के बारे में बताना चाहूंगी। कबीर का पहला दोहा क्या है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। आप जानते हो इसमें क्या कहा है कबीर दास जी ने कि मनुष्य को ऐसी बाणी मतलब वचन बोलने चाहिए, बोलिए मतलब बोलने चाहिए, जिससे क्या हो हमारे मन का आपा मीन्स अहंकार खोए मतलब समाप्त हो जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार से रहित वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वाणी से बोलने से क्या होता है आप अपना मन शीतल करे। ऐसी वाणी जब हम बोलते हैं तो इससे हमारा अपना जो तन होता है वो शीतल हो जाता है, मतलब हमें गुस्सा नहीं आता। औरन को सुख दे, और ऐसी वाणी हमारे मुंह से सुन के दूसरों को भी क्या होती है शांति मिलती है, वो भी हमारी ऐसी वाणी सुन के खुश हो जाता है। दूसरा दोहा क्या कहता है, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी जो एक सुगंधित पदार्थ है वो क्या होती है, बसी मतलब रहती है, कुंडली मतलब नाभि में, ठीक है। कस्तूरी जो एक सुगंधित पदार्थ है वो हिरण की नाभि में होता है, पर मृग मतलब हिरण ढूंढे उसे खोजता है वन माहे, वन में जगह जगह। कबीर दास जी कहते हैं एक जो कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ है वो हिरण की नाभि में होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हिरण उसे वन में जगह जगह ढूंढता है। ऐसी घटी घटी राम है, कबीर दास जी कहते हैं ऐसे ही घट घट यानी हर जगह राम बसे हैं, पर मनुष्य अज्ञानता अहंकार के कारण उसे देख नहीं पाता और उसे दुनिया में इधर उधर ढूंढता ही रहता है। कबीर दास जी का तीसरा दोहा क्या है, जब मैं, यहाँ पे मैं का मतलब मुझसे नहीं है, मैं मतलब अहंकार से है, जब मैं था तब हरि नहीं। कबीर दास जी कहते जब मेरे मन में अहंकार था तब ईश्वर मेरे पास नहीं थे, अब हरि है मैं ना ही। अब कबीर दास जी कहते जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब मेरे को हरि मिल गए, ईश्वर का सच्चा ज्ञान मिल गया, अब जो मैं रूपी अहंकार था वो मेरे मन से चला गया। तो वो कहते सब अंधियारा मिट गया मेरे मन से, जो अज्ञानता का अंधकार था कि ईश्वर यहाँ है ईश्वर वहां है, वो जो अज्ञानता रूपी अहंकार था वो सारा मिट गया है। कैसे मिट गया, जब दीपक देखया माहे, मतलब जब मैंने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मेरे मन में ईश्वर के प्रति कोई भी संशय नहीं रहा। कबीर दास जी का चौथा दोहा क्या है, सुखिया सब संसार है। अब कबीर दास जी बताते ये संसार सुखी है, सब संसार मतलब सारा संसार सुखी है, क्यों, उसका एक ही काम है दुनिया का ठाट बाट में रहना, खाए अरु सोए, ठाट बाट में रहना, खाना खाना और चैन की नींद सो जाना। लेकिन वो कहते हैं दुखिया दास कबीर है, संसार में दुखी कौन है, कबीर दास जी। क्यों कबीर दास जी अपने आप को दुखी कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ईश्वर को पाने के लिए दिन रात जागता रहता हूँ और रोता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर में ध्यान है, मेरा ईश्वर के प्रति आस्था है, और इसलिए मैं उसको पाने के लिए जागता हूँ रोता हूँ। संसार सुखी है, वो ठाट पीट से खाता है पीता है और सो जाता है। अगर आपको अच्छे लग रहे हो मेरे दो का अर्थ तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक करें।